रहना चाहिए कि दीनता होनी चाहिए। और गुरु जो है वो कहते हैं सब पूनम है, गुरु सबको डरता है। आपको बताया कि जितने पंडित आए थे सबके पैर छुए, सबके और पैर छुए और ठीक से छुए, पैर ऐसे नहीं, और उन्होंने आसन दिया और हाथ जोड़ा कि आपने हमारे ऊपर अपनी दया की है, हम तो भिखारी हैं और आप दयालु हैं, आपने दया की है तो बिराइए आप बैठिए। वो उनको नभे यानी पैरों को छुआ उनके, तब वो जो क्रोध था उनका सब शांत हुआ। कहते गुरु नभे जो सिद्ध, वो गुरु नभता है यानी मालिक की वो जीवात्मा है, उसको गुरु नहीं बना सकता। वो कहता है कि भाई मैं तो सेवक हूं, वो तो उसका भाव श्रद्धा ठीक है, कार्यक्रम ठीक है उसका, क्रिया का शारीरिक, लेकिन वो नहीं कह सकता है कि मैं गुरु हूं ये चीला है। वो अगर ये कहता है और अंदर में समझता है तो सीधा रड़ हो जाएगा। स्वामी कह रेवती सुनाओ, कहो कबीर मुख बात, कही कबीर सब में बसाओ, को गुरु चेला साथ। कबीर साहब की बात को सुन लो, कबीर साहब कहते हैं कि भाई मैं तो न कोई गुरु है न कोई चेला, और मैं तो सब जगह बसता हूं, हर जगह हर घट में, हर घट में रहता हूं, तो मैं तो उससे अलग नहीं, मैं सब वहां कोई गुरु कोई चेला नहीं। तो कबीर साहब तो ये कहते हैं, तुम क्यों बनते हो महान, क्यों अपने आप को गुरु बनते हो चेले बनाते हो? अरे गुरु है चेले तो बनाते हो, तो तुम्हारा तो ये भाव है कि हम गुरु है ये चेला है, और वहां वो कहते हैं हम सब में बस रहे हैं, तो आप उस मालिक को आप गुरु नहीं बना सकते, चेला नहीं बना सकते। वो अपने समान ही सबको समझना है और दीन रहना है, क्योंकि उस पर आवरण है, गंदगी है उस पर, वो जानता नहीं है न देखता न सुनता है, तो उसके सामने झुको, नम्र रहो, और नम्र रहने से उसको ये वस्तु मिल जाएगी। और तुम भी बैठे रहोगे कि हम गुरु हैं, बैठे रहोगे तो आपको चीज नहीं मिलेगी। कह कबीर सब माही बिराजो, सब मैं किया सभी मैं साजो। सब में रहता हूँ और सब में ही किया है, और मुझे से ये सब कुछ है और मैं हर जगह रहता हूँ, तो तुम कैसे चेला गुरु बनोगे? चेला भाव रखो, श्रद्धा का सेवका का भाव रखो, लेकिन अपने को गुरु चेला नहीं बना सकते, गुरु नहीं बना सकते। वो भी मतलब है दिल रहेगा और सेवा करेगा, क्योंकि उसकी गंदगी जो है जमा है उसको धोएगा, उसी का नाम तो भी है। जो मन को बुद्धि को चित्त को और इस तत्वाकरण को गंदगी को धोए और जीवात्मा की सफाई करे वो सेवक होता है, वो सच्चा सेवक है, उससे ज्यादा कोई सेवक नहीं है और उससे ज्यादा कोई सिद्ध नहीं है। वो सच्चा सिद्ध है, जीवात्मा को साफ करने वाला, और मालिक से जब मिला देता है तो कहता है तुम हो रे, इसमें कोई भेदभाव नहीं, मालिक और वो एक है, दो नहीं हो सकते। तो दो स्वामी महाराज कहते हैं कि प्रभु और हम एक हैं, और हम प्रभु एक हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। वही कबीरदास की बात याद कर रहे कि वो जो शब्द लिखा है तो तुम क्या पढ़ते हो क्या समझते हो? उन्होंने लिखा है अभी तो सब विस्तार हुआ और ना बताओ और अभी हम सब जगह है, तो तुम चेला गुरु नहीं, ये नहीं बना सकते। बोलो कह कबीर हम सबके माई, सब हम किया सभी सब ठाई। कहते भाई हम सबके अंदर है और हमी ने ये सब किया, हमारी मौज हमारी मर्जी हुई तो हमने ये सब कुछ किया, हम सब जगह मौजूद है, कोई जगह खाली नहीं है। बोलो सबके माही पासा कीना, सब में हमी हमी को चीना। जब तुम वो जब जागृति होगी तुम आँख खुलेगी, तुम्हारे कान खुलेंगे तो तुम हमें हमको देखोगे, दूसरा और कुछ दिखाई नहीं देगा। हम सब जगह बसते हैं, अभी नहीं विस्तार किया, सच्ची बात है भाई, अनामी पुरुष ने ये विस्तार किया और वही से जीवात्मा जगाने के लिए यहाँ आई है, मालिक का संदेशा लेकर और इनको साफ सूफ करके और वापस ले जाती है, तो जब वहां पहुंचाएगी तो वही तो विस्तार करने वाला और ले जाने वाला, वही जिन्हें भेजा और उसको ले जाएगा। अब यह है कि आप फंस गए हो तो अपना निवारण करा लो, गंदगी को साफ करा दो,
भूल चूक हो गई और तो अपनी भूल को मिटा लो। इसलिए महात्मा आते हैं तो तुमको तो अपना काम कराना चाहिए, हमारी गंदगी साफ की जाए। ये तर्कवादी और ये तमाम संदेशों का इसमें मत करो, अपनी गंदगी को दूर कराओ, असला काम यह है। और घट घट माही कबीर समाना काको चेला करे हैवान। कहता है कि भाई वो उसको चेला बनाएगा तो हैवान है, गुरु जानवर है, उसके पास जानवर जितनी भी बुद्धि नहीं है। ऐसा हैवान हैवान शब्द वर्णन किया कि वो हेरा हम घर घर में विराजते हैं और वो अगर चेला बनाता है तो हैवान है, चेला नहीं। तुम जिस गति से रहो, जिस काम के लिए तुमको भेजा है, इसकी शुद्धि सफाई के लिए जो कर्मों में फंस गया है और गंदगी आ गई और भटका खा रहा, उसको साफ करके जल्दी से ले आओ। इस काम के लिए तो दीनता के साथ रहेगा और सफाई करेगा। बोलो हाय कबीर सब काया माई ताको तुम चेला ठहराई। कहते हैं भाई कबीर तो काया में मनुष्य शरीर में है, वो जीवात्मा सुरत रूप है और तुम उसको चेला बनाते हो, तुम पढ़ोगे जाके नरक में। वहां विधान ये बना हुआ है मृतलोक का, उसके अधीन काम करोगे तब तो तुम्हारा छुटकारा होता जाएगा, और खिलाफ अगर करोगे, बगावत करोगे तो तुमको नरक में और चारों खानों में डाला जाएगा। तो एक जीव की ये दुर्गत होगी, महात्मा मिल जाए तो अपनी सफाई के लिए लगो कि हमारी शुद्धि सफाई हो जाए और रास्ता हमारा साफ हो जाए और जीवात्मा के ऊपर का कर्मों का भार जो पाप उनका उतर जाए, तब काम बने। बोलो कह कबीर सब ठाम ठिकाना सोई कबीर का तू का काना। पर चलो तो सब जगह पर आपको मिलेंगे, गुरु हरेक स्थान पर मिलेंगे, वहां उनकी सबकी बैठक है। यहाँ से चलो तो मिलेंगे, ऊपर चलोगे तो मिलेंगे, स्वर्ग में चलोगे तो वहाँ बैठक है, ऊपर में ईश्वर के लोक में जाओगे तो वहाँ, और ब्रह्म लोक में जाओगे तो हर जगह मिलेंगे आप। अगर नहीं मिलेंगे तो आगे रास्ता नहीं जा सकते, वो हर जगह दर्शन देंगे। और तुम यहाँ पहचान लोगे तो सकल तुमको जब पहचान में आ जाएगी तो वहाँ भी पहचान लोगे कि उन्होंने रास्ता बताया, वो बताएंगे इधर चलो। इसमें देखने में मत उलझो, ये थोड़ा सा मृतलोक से ज्यादा सुख है, यहाँ भूल जाओगे तो ऊपर नहीं जाओगे, इसलिए इसको छोड़ के चलो ऊपर। तब वो साधक जो साधना करता है वहाँ जो आनंद पाता है उसको छोड़ता नहीं, छोड़ता कौन है, तुम जरा जरा तो छड़े का आनंद पाए हुए हो, कितना उपदेश करते हो छोड़ते नहीं हो, उसी में लिपटे रहते हो रात दिन उन्हीं भोगों में, ये नहीं छोड़ा जाता है जो छड़े गए तो वो आपको मिलेगा तो कैसे आप छोड़ दोगे। उसके लिए गुरु की जरूरत है, सब जगह वो ले जाएगा, देखो हमारा ये रूप है, फिर कहेगा देखो हमारा ये रूप है, ये देखो ये रूप है, ये रूप ये असली है और ये असली है, सबको बता दे जाएगा और हर शरीरों में मिलेगा, लिंग शरीर स्थूल शरीर में, फिर लिंग शरीर में, फिर सूक्ष्म शरीर में, फिर कारण में, कारण से परे जब कोई भी शरीर नहीं है वहां मिलेगा, वो ले जाएगा आप, और आप देखते जाओगे और सुनते समझते जाओगे और सुनते जाओगे। बोलो कस कस ज्ञान तुम्हारा भाई भूल न अपनी देखा जाए। गुरु को भी सुना रहे हो जो बैठा फूलदास, भाई तुम्हारा ज्ञान किस तरह का कि तुमने इतनी भूल कर डाली, ये मेरा चेला है और ये मतलब मैं इतना गुरु हूं, ये सबसे बड़ी ज्ञान नहीं, तुम्हारी दृष्टि नहीं खुली है, अगर दृष्टि खुल जाती तो कभी अभाव नहीं आता चेला और गुरु का, फिर तो सेवक भाव रहता कि हमको सेवा करना है, कि हमको मालिक ने इसलिए भेजा है कि जीवों की सेवा करो, इनको धो, इनको रास्ता दो और मदद करो, इनकी सहायता करो, इनको वहां से ले आओ। अरे आपने कर्म तो किया लेकिन गुरु चुकाएगा तभी आपका कर्म साफ होगा, और जब तक वो चुकाएगा नहीं तब तक मतलब ये सफाई नहीं हो सकती है, वो तो काल का देश है, उसने तो आपको मांग करके उससे ले लिया और ले आया आपको यहाँ डाल दिया, अपना विधान बना के जीवात्मा को बदला लिया, अगर विधान नहीं बनाता तो ये सब के सब निकल के वापस लौट जाते जहाँ से आए थे, विधान बनाए और जब आए थे तो कोई विधान नहीं था, तब तो ये जीवात्मा सब वापस गई सब की सब, जब तक देश विधान नहीं बना